अस्सलाम डीवियर्स, दिस इज़ मास्क वाजा, फाउंडर ऑफ askmask.com। डीवियर्स, आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू व्हेन यू आर स्टक इन लाइफ। अगर आप एक पॉइंट पे, एक सिचुएशन पे, एक प्रॉब्लम में आकर बुरी तरीके से फंस गए या स्टक हो गए और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए। वैसे तो उसके बड़े हल हैं, तो हम एक छोटा सा हल आपको बताने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वो आपके लिए वर्केबल हो। उसका नाम हमने रख दी फोटोग्राफर थ्योरी। बाज़ अवकात इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह पे पहुंच जाता है या ऐसे मामलात में उलझ जाता है कि वो उनको किसी और एंगल से नहीं देख पाता, और एक ही तरीके से, एक ही नज़रिए से सोच सोच के वो उसका सलूशन भी नहीं निकाल पाता। इस सिचुएशन के अंदर आप याद रखिएगा कि फोटोग्राफर को ज़रा ज़हन में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ोटोग्राफर ने अगर मेरी पिक्चर लेनी है, जो कि मैं बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल दी, तो मेरी पिक्चर लेने के लिए और मुझे खूबसूरत प्रेजेंट करने के लिए वो अपना एंगल चेंज करता है। कभी दाएं खड़े होकर पिक्चर लेगा, कभी बाएं खड़े होकर पिक्चर लेगा, सामने जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, नीचे से लेगा, वो हर जगह से ट्राई करेगा कि किसी तरीके से मास्क वाजे जो है खूबसूरत नज़र आ जाए, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि नहीं नज़र आ रहा। और अगर फिर भी मैं बेहतर नज़र नहीं आऊँगा उसकी पिक्चर्स के अंदर, तो वो कहेगा लेट्स चेंज द पोजिशन या चेंज द स्पेस या सराउंडिंग्स। फिर वो आसपास की चीज़ों को चेंज करके फिर मेरी पिक्चर्स लेने की कोशिश करेगा कि शायद मैं फिर खूबसूरत नज़र आ जाऊँ। और अगर फिर भी नहीं मैं होता अनफॉर्चुनेटली, तो कहेगा यार तेरी जगह ही चेंज कर दे, तुझे यहाँ खड़े करके पिक्चर लेने के बजाय हम किसी और जगह चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं, किसी हिल स्टेशन चले जाते हैं, रोड में चले जाते हैं, किसी और घर में चले जाते हैं, बट तू किसी तरीके से खूबसूरत या अच्छा नज़र आ जाए। और अगर फिर भी नज़र नहीं आ, फिर भी बेहतर नहीं आऊँगा, तो कहेगा लेट्स वेट, हम दिन की रोशनी में पिक्चर लेंगे या एम्बेडेड लाइट में लेंगे, तो हर चीज़ को चेंज करेगा। फाइनली वो एक आधी ऐसी पिक्चर लेने में कामयाब हो जाएगा जिसमें मैं खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ या प्यारा नज़र आ रहा हूँ या फिर बेहतर नज़र आ रहा हूँ, वो प्रेजेंटेबल हूँ, इसको हम यूँ कर लें। इसी तरह हम जब अपने प्रॉब्लम्स इस हद तक उलझ जाएँ, तो हमें चाहिए कि अपना नज़रिया चेंज करके देखें, अपनी सराउंडिंग्स चेंज करके देखें, द वे वी आर थिंकिंग उसको चेंज करके देखें, जहाँ बैठ के काम कर रहे हैं उस जगह को चेंज करके देखें, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके देखें। हो सकता है कि सराउंडिंग से, न्यू एनवायरनमेंट से कोई इम्पैक्ट आ जाए और आपकी सोच बदल जाए और आपको सोल्यूशन बेहतर मिल जाए। वो जिस तरह कहा जाता है कि अगर आपको गुस्सा आए, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, यानी आप अपनी पोजीशन भी चेंज कर दें तो आपका गुस्से का जो पैरामीटर वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा सलूशन है, वैसे बज़ाहिर सिंपल लग रहा, हो सकता है इसमें बहुत मुश्किलात पेश आए, बट आई विल रिक्वेस्ट यू एंड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू फॉलो दिस गाइडलाइंस। और फोटोग्राफर थ्योरी, जिसका हमने नाम रख दिया है, आप इसका कोई भी नाम रख दें, तो मस्ट ट्राई इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।